के इस वीडियो में जानेंगे क्लास नाइन्थ का मैथ प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी जो क्वेश्चन दिया है इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए इसे कॉपी में लिख कर अच्छे से समझते हैं। क्लास नाइन्थ का मैथ प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला नंबर है 12x² - 7x+1। तो इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसका गुणनखंड ज्ञात करने का पहला ट्रिक है, यहाँ पर 3 डिजिट में दिया गया है, तो सबसे पहले इसे हम इसमें 4 डिजिट में बांट देंगे। तो यहाँ पर जो 7x है इसको 2 भागों में बांटेंगे और 2 ऐसे अंकों को लेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर 7x आए और दोनों अंकों में गुणा करने पर 12 आए। तो आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे अंक कैसे खोजें, तो खोजने में बहुत समय लग सकता है, तो इसलिए इसका भी एक हमारे पास ट्रिक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ए और सी, यहाँ पे जो 12 और 1 है इन दोनों में गुना कर दीजिएगा। तो 12 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 12 ही हो जाएगा। तो 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 6 2 12 हो जाएगा, फिर 2 3 2 6 हो जाएगा, तो हमारा 3 अंक आ गया। अब यही 3 अंक जो है, 3 अंक को जोड़ने घटाने या गुना करने पर हमें यह अंक दोनों अंक आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, 2 2 4, यह हमारा 4 हो गया, और 3, तो ऐसे ही हमारा मिल गया 4 और 3 7 हो जाएगा। तो हमें -7x लेना है और यहाँ पर 4 3 12, हमारा 12 भी हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 12x² माइनस में है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, -3x, फिर -4x+1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये दोनों अंक जुड़ जाएगा तो 4 3 7 हो जाएगा, और माइनस माइनस यानी दोनों ऋणात्मक में ही है तो हमारा माइनस का ये चिन्ह लग जाएगा। तो हमारा 7 -7x आ गया और उसके बाद 4 3 12, दोनों में गुना करेंगे तो हमारा 12 आ गया। तो इसके बाद हम हल करेंगे इसको, जो 2 2 पेयर मिल गया, यहाँ पर 2 2 का पेयर मिल गया। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या है, तो इसमें हमारा कॉमन हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि 3x यानी 3 के पढ़ा में 12 है, तो 3x हो जाएगा। इसे हम कॉमन निकाल लेंगे और 3 4 12, 4 मर्त में है तो 4x लिख लेंगे, फिर माइनस 3x, ये कॉमन लिया गया है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 ही लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 4x+1 है तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम कॉमन ले लेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1 को कॉमन ले लेंगे तो -1 को कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4x, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पर इन सभी में 2 1 समान है, यानी ये दोनों जो है एक समान है, 4x - 1 4x - 1, तो इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे 4x - 1, ये हमारा कॉमन हो गया। अब जो बचा है उसको आगे लिख देंगे 3x, तो 3x - 1, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो इसका 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में है 2x² + 7x+3, तो ये भी हमारा 3 पेयर में दिया हुआ है, इसे हम 4 पेयर में तोड़ेंगे, इसको भी 4 पेयर में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले ए और सी में गुना कर देंगे, इसमें और इसमें गुना कर देंगे, एक नंबर के जैसा ये सभी क्वेश्चनों को बनाया जाएगा। तो ए और सी में गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 2 6, तो हमारा 6 जो आ गया, तो हमें क्या करना है, 6 का 3 2 6 हुआ तो 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से लगेगा 3 और 3 से लगेगा 1 हो जाएगा, तो
हमारा यहाँ पर हो गया, तो हमें अब लियाना है जोड़ने या घटाने पर 7x को लियाना है। तो हम पहले गुना कर लेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा प्लस 1, यहाँ पर हमारा 7 आ गया है। 3 दूना 6 और 1 7, यहाँ पर 7 हो गया। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 2x² प्लस, यहाँ पर 1 है यानी 1x प्लस 7 6x। तो 6x में अगर x को जोड़ेंगे तो हमारा 7x हो जाएगा। तो इस x के पहले 1 छुपा हुआ है, तो हमारा 6x और 1x 7x हो जाएगा। और 6x में से 1x में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 * 6 यानी 6 ही हो जाएगा, जो गुना करने पर हमारा 6 आया है आया था। तो इसको हम 4 पेयर में तोड़ दिए और प्लस में 3 को लिख लेंगे, तो 4 पेयर में हो गया। उसके बाद इन दो में और इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन है हमारा x कॉमन है, तो x को बाहर ले लेंगे और कोष्ट में कर देंगे 2x² यानी 2x है, तो इसमें से 1x को बाहर लिए हैं तो 1x बच जाएगा। प्लस यहाँ पर 1x है, इसको बाहर ले लिए है तो हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 3 * 2 = 6 हो जाएगा और x तो हमारा 1 ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं 3 को, तो यहाँ पर हमारा 1 ही हो जाएगा। तब ये दो एक समान हो गया, ये दोनों एक समान, तो इन दोनों को फिर हम कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों को कॉमन लेंगे तो 2x + 1, तो ये दोनों हमारा कॉमन आ गया। तो जो बच गया फिर उसके आगे लिख देंगे x + 3, तो यह हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह हम तीसरे नंबर को भी देखते हैं। तो इसका 3 नंबर क्वेश्चन में है 6x² + 5x - 6। तो ये भी हमारा 3 पेयर में है, तो इसके भी हम 4 पेयर में करेंगे। तो दोनों जो क्वेश्चन के जैसा ए और सी में गुना करेंगे, इसका यह ट्रिक ही होता है ए और सी में गुना करना। तो ए और सी में गुना करेंगे तो 6 * 6 = 36 हो जाएगा। तो ए और सी में गुना करेंगे तो 6 * 6 = 36 हो जाएगा। तो 36 का लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 से 18 हो जाएगा, फिर 2 से यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर 3 से यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों में गुना भाग करके देख लेते हैं कि किसको जोड़ने या घटाने पर 5 आ जा रहा है। तो अगर हम 2 * 2 = 4 करेंगे और 3 * 3 = 9 करेंगे, तो 9 और 4 हो गया। तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा प्लस में 5 आ जाएगा, अगर 4 में से 9 घटाते हैं तो -5 हो जाता है। तो यह हमारा 2 जो अंक हो जाएगा, यहाँ पर 2 * 2 = 4 और 3 * 3 = 9, तो यह 2 अंक हो जाएगा जिसको जोड़ने या घटाने पर 5 होगा और गुना करने पर 6 * 6 = 36 जो गुना किया गया है तो हमारा 36 हो जाएगा। तो चलिए इसको इन दोनों को रख कर हल करते हैं। तो इन दोनों को रखेंगे तो यहाँ पर 6x² + 9x है माइनस 1 से कितना 4x, तो 9x में से 4x को घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस में 5x हो जाएगा -6। अब ये 4 पेयर में हो गया, तो 2 2 को अलग कर लेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन सा कॉमन में निकल जा रहा है। तो इसमें हमारा कॉमन हो जाएगा, ये 6 3 का पहाड़ा में है और 9 भी 3 का पहाड़ा में है, तो इसमें हमारा कॉमन हो जाएगा 3 और दोनों में x है तो x हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 3 * 2 = 6 हो जाएगा और f स्क्वायर है और यहाँ पर जो यहाँ पर 2 x है तो 1 x को बाहर ले लिए हैं तो हमारा 1 x बच जाएगा, तो 2 x हो जाएगा प्लस 3 * 3 = 9, ये हमारा हो जाएगा 3 और x कॉमन ले लिए हैं। और इन दोनों में कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 * 2 = 4 और 2 * 3 = 6, इसमें हमारा कॉमन 2 हो जाएगा, ये दोनों में माइनस ही है तो यहाँ पर -2 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 * 2 = 4 दो मर्त में हो रहा है तो 2 और x को लिख लेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है तो प्लस हो गया, फिर 2 * 3 = 6 3 हो गया। फिर इन सभी में देखेंगे तो हमारा
टू एक्स प्लस थ्री कॉमन है, टू एक्स प्लस थ्री दो गो है तो ये हमारा एक कॉमन हो जाएगा। तो टू एक्स प्लस थ्री को कॉमन ले लीजिए, उसके बाद जो अंक बच गया उसको आगे लिख लेंगे। तो थ्री एक्स माइनस टू ये हमारा बच गया है, इसको लिख लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी तरह चार नंबर को देखते हैं। चार नंबर में है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, तो ये भी हमारा तीन डिजिट में है, तो इसे चार डिजिट में बांट लेंगे। चार डिजिट में बांटेंगे तो इन तीनों को जैसा ए और सी में गुना करेंगे, तो तीन और चार में गुना करेंगे तो हमारा चार तिहाई 12 हो जाएगा। तो फिर 12 का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर 12 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 से 6 हो जाएगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा। तो इसमें हम देख लेंगे 2 दुना 4, सबसे अधिक या जो ऊपर से नीचे की ओर गुना किया जाता है तो उससे ही हमारा आंसर मिल जाता है, अधिकांश ऐसा ही होता है। तो 2 दुना 4 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया, तो 4 में से 3 को हटाएंगे तो हमारा एक्स आ जाएगा, लेकिन माइनस एक्स को ले आना है। तो यहाँ पर हमारा 12 12 आया था, तो 4 3 12 गुना करने में भी 12 हो जा रहा है, और यहाँ पर माइनस एक्स को ले आना है तो छोटा अंक में से बड़ा अंक को हटा देंगे। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स, तो थ्री एक्स में से 4x को हटाएंगे तो माइनस में एक्स हो जाएगा, माइनस फोर। उसके बाद यह हमारा चार पेयर में हो गया, तो दो दो का पेयर लगाकर दोनों में से कॉमन को निकालेंगे, तो इन दोनों में से हमारा कॉमन हो जाएगा थ्री एक्स, थ्री एक्स कॉमन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हो जाएगा यहाँ पर 2x और 1x को बाहर निकाल लिया गया है तो एक्स हो जाएगा, और 3x को कॉमन लिया गया है तो हमारा प्लस में 1 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन को निकालेंगे तो हमारा -4 कॉमन लिया जाएगा। उसके बाद -4 कॉमन लिया है तो यहाँ पर एक्स मच गया, तो एक्स को अंदर लिख लेंगे, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 4 है तो 4 को कॉमन लिया गया है तो हमारा 1 हो जाएगा। फिर इन सभी में हमारा एक्स प्लस 1 कॉमन हो गया, तो एक्स प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, और थ्री एक्स माइनस फोर, थ्री एक्स माइनस फोर इसको हम बाद में लिख लेंगे और इसे भी क्वेश्चन में घेर देंगे। तो ये हमारा हो गया 4 का आंसर। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।